संसद की सुरक्षा में चूक हुई। उधर लोकसभा की जब कार्यवाही चल रही थी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। संसद की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर आज विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी जांच चल रही है। आयुष बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर सबकी चिंता हमें है, लेकिन इस तरह संसद में हंगामा करना ठीक नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। ने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इस तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है, और अन्य भी जो प्रशासन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए, और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रकाशक लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में ये कहते सुने गए। उन्होंने साफ कहा कि ये सांसदों की भी जिम्मेदारी है कि जब वो पास बना रहे हैं या फिर उसके लिए हामी भर रहे हैं तो वो भी जरा सावधान रहे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।